हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस हैं। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग सारे बॉन्ड शो करते हैं। जैसे हमने इथेन का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, तो इथेन में आपके पास दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन्स हैं। आपने सारे बॉन्ड शो किए हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग सारे बॉन्ड शो करते हैं। इथीन में भी हमने कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इथीन में डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड शो किया है। उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड्स हैं वो सारे शो किए हैं। सिमिलरली इथाइन में हमने कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड शो किया, कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड शो किए हैं। मिथेनॉल में आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शो किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया है। अब कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमारे पास एक चॉइस है, हमारी मर्ज़ी है। हम लोन पेयर्स अगर शो करना चाहते हैं तो शो करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ बॉन्ड्स शो नहीं करते। जैसे इथेन है, इथेन में हमने क्या किया, ना कार्बन कार्बन बॉन्ड शो किया, ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया। अब यहाँ हमारी मर्ज़ी है, हम कौन सा बॉन्ड शो करना चाहते हैं, कौन सा शो नहीं करना चाहते। हम चाहते तो खाली यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड शो कर देते, कार्बन हाइड्रोजन ना शो करते, ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है। या इथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H6। सिमिलरली इथीन में भी हमने क्या किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड शो किया लेकिन कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं किया। इथाइन में कार्बन कार्बन शो किया लेकिन कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं किया, तो ये हमारी चॉइस है। सिमिलरली मिथेनॉल में हमने कोई भी बॉन्ड शो नहीं किया। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम कुछ बॉन्ड्स शो नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ जो ये स्मॉल नंबर्स दिए हैं, ये H2 या यहाँ पर भी दिया है CH2, इस नंबर को हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने इथेन में CH बॉन्ड शो नहीं किए, हमारे पास 3 CH बॉन्ड थे तो हमने CH3, मतलब हाइड्रोजन 3 टाइम्स है तो 3 लिख दिया, तो 3 यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है। सिमिलरली हमारे पास मोर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है। मोर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई रिपीटिंग यूनिट है, जैसे यहाँ पर देखो ये CH2 यूनिट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, CH2 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने 4 टाइम्स रिपीट करने की जगह CH2 4 टाइम्स लिख दिया। तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम रिपीटिंग यूनिट को बार बार रिपीट नहीं करते, उसको एक बार लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट से जितनी बार वो रिपीट हो रहा है, सबस्क्रिप्ट एक नंबर है, जैसे ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो आपने 4 लगा दिया, सबस्क्रिप्ट 4 यूज़ किया। इसके अलावा हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ बॉन्ड्स शो करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड्स हैं, अब ये है आपका, ये आ गया एंड पोर्शन और ये आ गया इंटरसेक्शन। एंड पोर्शन, इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी एंड पोर्शन है। तो जितनी भी एंड पोर्शन और इंटरसेक्शन है वो कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वो कार्बन को डिनोट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है, और उन 7 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांच की फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे क्या शो करते हैं, बॉन्ड लाइन, और बॉन्ड लाइन की जो इंटरसेक्शंस हैं और जो एंड्स हैं वो कार्बन को डिनोट करते हैं। और हमें पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो हम मतलब यहाँ पे कार्बन्स प्लेस कर सकते हैं और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगा देंगे ताकि उनके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और जनरली इंटरसेक्शंस पे आपके पास CH2 ग्रुप होता है और एंड्स पे आपके पास CH3 ग्रुप होता है। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग होमो एटम्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको शो करने की ज़रूरत नहीं होती। कार्बन अंडरस्टूड है, मतलब कार्बन इंटरसेक्शन और एंड पर है, और हाइड्रोजन अंडरस्टूड है 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए, कार्बन के 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन यूज़ करना है, तो अंडरस्टूड है। लेकिन जो ब्रोमीन है वो हमें शो करना पड़ेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने, ये COOH ग्रुप है तो यहाँ पर हमने कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं किए, वो हाइड्रोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन हमें ऑक्सीजन शो करना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो इसको भी शो करना पड़ेगा। जो कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन्स होते हैं वो हम शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड है, ठीक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और है, पॉलीगॉन फार्मूला। अब ये पॉलीगॉन फार्मूला क्या है, ये है बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये उनके लिए फार्मूला है। अगेन हमने जैसे ये 5 मेंबर रिंग बनाई है, तो ये जितनी भी इंटरसेक्शंस हैं ये कार्बन को डिनोट करती हैं, ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स हैं ये कार्बन को डिनोट करते हैं, और कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये शो हो रहा है, और बाकी हर कार्बन के साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे ताकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी हो जाए। जैसे ये कार्बन है, 2 बॉन्ड, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, वो अंडरस्टूड है। सिमिलरली यहाँ पर भी
ये हमने सेम ये सिक्स कार्बन्स हैं, उसके साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं और OH भी है। सिक्स कार्बन्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl है, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी ग्रुप्स और एटम्स हमें शो करने पड़ेंगे पॉलीगॉन फॉर्मूला में भी और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चरल। कंप्लीट स्ट्रक्चरल को हम लोग सी एस से डिनोट करेंगे आगे, कंडेंस स्ट्रक्चरल को सी एन एस से डिनोट करेंगे, मोर कंडेंस स्ट्रक्चरल को एम सी एन एस से डिनोट करेंगे और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल को बी एल एस से डिनोट करेंगे। हमने पेंटेन के लिए सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताने, तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पेंटेन, पेंटेन का मतलब है फाइव कार्बन, पेंट का मतलब फाइव कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो हमने फाइव कार्बन्स लिए, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगा दिए ताकि हर कार्बन के फोर बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएं। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना था तो तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के दो बॉन्ड बने थे तो दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसी तरह सारे कार्बन्स के फोर फोर बॉन्ड हमने कंप्लीट कर दिए। ये था कंप्लीट स्ट्रक्चरल। कंडेंस स्ट्रक्चरल में हम क्या करेंगे, हम कुछ बॉन्ड शो नहीं करते, तो हम सी एच वाले बॉन्ड शो नहीं कर रहे, कार्बन कार्बन बॉन्ड शो कर रहे हैं। मोर कंडेंस्ड में रिपीटिंग यूनिट क्या है, सी एच टू, कितनी बार रिपीट हो रहा है, थ्री टाइम्स, तो सी एच टू को थ्री टाइम्स लिख दिया। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल में हम लोग क्या करते हैं, हम बॉन्ड शो करते हैं। टोटल फाइव कार्बन्स थे तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये लाइन से हमने क्या कर दिया, फाइव कार्बन को कनेक्ट कर दिया और हर कार्बन के साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। तो हमें कुछ भी दिया होगा, चाहे कंप्लीट स्ट्रक्चरल या कंडेंस स्ट्रक्चरल चाहे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल, उसके बाद जो पूछा है वो हमें बनाना है। तो ये हमें फॉर्मूला दिया है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, हमें क्या बनाना है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सीधा सी एच बॉन्ड शो नहीं करेंगे, सीधा जैसे ये कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है कनेक्टेड तो हम सीधा सी एच थ्री लिख देंगे, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है सी एच टू लिख देंगे, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है सी एच लिख देंगे, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है सी एच लिख देंगे, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है सी एच टू सी एल लिख देंगे। बाकी जैसे जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वैसे रखा है सिंगल सिंगल डबल सिंगल, वैसे ही रखा है, सिर्फ हमने सी एच बॉन्ड शो नहीं किए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल में अब क्या करना होता है, हमने बॉन्ड्स बनाने होते हैं सिर्फ। टोटल कार्बन कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, सो ये फर्स्ट कार्बन बॉन्ड, सेकंड कार्बन बॉन्ड, थर्ड कार्बन बॉन्ड, फोर्थ कार्बन बॉन्ड, फिफ्थ कार्बन, तो फाइव कार्बन्स आगे हमने बॉन्ड से शो कर दिए। अब यहाँ पे वन टू थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड था, वन टू थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे लास्ट में क्लोरीन है, तो लास्ट में क्लोरीन है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, अब ये हमें मोर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया क्योंकि ये सी एस थ्री रिपीटिंग यूनिट है, तो टू टाइम्स लिखा है, सी एस टू रिपीटिंग यूनिट है फोर टाइम्स लिखा है, सी एस थ्री रिपीटिंग यूनिट है टू टाइम्स लिखा है। अब बस आपने एक ही बात का ध्यान रखना है कि कार्बन हमेशा फोर बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बस उस बात को ध्यान में रखेंगे ये भी ईजिली हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कार्बन है, इसके साथ दो सी एस थ्री कनेक्टेड है। अब सी एस थ्री आपको पता है हमेशा एंड्स पे आते हैं, एंड पे आते हैं, इंटरसेक्शन पे तो आ नहीं सकता, तो ये कार्बन आ गया, ये वाला कार्बन, एक सी एस थ्री इधर आ गया, एक सी एस थ्री इधर आ गया, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है, ये आ गया हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन आगे बॉन्ड बना रहा है आ गया, फिर फोर सी एच टू यूनिट है, ये सी एच टू फोर टाइम्स आएगा, ठीक है। उसके बाद सी एच है, सी एच अगेन सी एच थ्री है, हमें पता है ये एंड्स पे आएगा, तो एक सी एच थ्री इधर आ गया, एक इधर आ गया, बस ये ध्यान रखना है कि सी एच टू इंटरसेक्शन पे आएगा और सी एच थ्री एंड्स पे, फिर ये बिल्कुल सही होगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल में देखो क्या करना है, हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल में हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कार्बन स्ट्रेट चेन में है और यहाँ से सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है और यहाँ से सेवन्थ पे ब्रांच है, तो ठीक है हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कार्बन्स, यहाँ से सेकेंड पे ब्रांच और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन्थ पे ब्रांच, हो गया। लाइंस हमेशा जिगजैग बनानी है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल में, हमेशा जिगजैग लाइंस बनानी है, ये ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद ये थर्ड पार्ट है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, हमने इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल बनाना है। बेसिकली ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ओके, सो थर्ड पार्ट में ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं किए, कार्बन कार्बन बॉन्ड शो किए हैं और साइक्लिक कंपाउंड है। तो हमने ये तीन कार्बन साइक्लिक फॉर्म में कनेक्ट किए, हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो हर कार्बन के दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हमने शो कर दिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल में सीधा सा आप ट्राइंगल बना देंगे, ट्राइंगल में तीन कार्बन शो हो रहे हैं और आपको पता है हर कार्बन के साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ताकि उसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है, ये आपको, अच्छा ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख दे, ये बेसिकली पॉलीगॉन फॉर्मूला है और ये भी पॉलीगॉन फॉर्मूला है, इससे हमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल बनाना है।
ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनेगा, फोर कार्बन है, फोर कार्बन डबल बॉन्ड है, बना दिया। बाकी हर कार्बन के साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच करने हैं। अब अगर आप हर कार्बन को देखते हैं तो उसने 1, 2, 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हैं, तो फोर्थ बॉन्ड किसके साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ पार्ट देखेंगे। ओके, फिफ्थ पार्ट अगेन ये पॉलीगॉन फॉर्मूला दिया है। सो हमारे पास रिंग में 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर ये एक और कार्बन है और 1 और 2 कार्बन है और एक ब्रांच है। तो हम लोग सिमिलर वैसे ही हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 5 कार्बन की रिंग बना देंगे, इधर एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे आपके पास 1 और 2 कार्बन है और एक ब्रांच है, तो ये 1 और 2 कार्बन और एक ब्रांच। फिर हर कार्बन के साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच कर लेंगे ताकि टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। आई होप ये आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। ये कार्बन है यहाँ पर, आपको पता है ये भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कार्बन है, एक OH और 2 CN, कंप्लीट स्ट्रक्चरल बनाना है हमने। ये कार्बन OH हमने बॉन्ड मतलब O और H के बीच का बॉन्ड शो किया। CN में कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब देखो कार्बन के यहाँ पे 3 ही बॉन्ड्स बने हैं और फोर्थ बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमने हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी शो कर दिया। ये कंडेंस्ड, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन था, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन था, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल था। अब हमें मोर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल बनाना है। तो मोर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल में कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जो चीज़ रिपीट हो रही है, CN रिपीट हो रहा है, तो CN को 2 टाइम्स लिख दिया। ये आ गया C, ये आ गया H और ये आ गया OH। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब क्या हो आपके पास, जब आपके पास मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप हो। जैसे CN है, 2 बार है CN, तो इसलिए 2 लगाया, यहाँ नहीं आएगा। और एक बात और है, ब्रैकेट तब लगता है जब आपके पास पॉलीएटॉमिक हो, जो भी ग्रुप है पॉलीएटॉमिक हो, जैसे CN। अगर यहाँ CL होता, CL मोनोएटॉमिक है, तो वहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, चाहे वो 2 हो 3 हो, कोई बात नहीं। ओके, CH3COH, ठीक है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है। CH3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, COOH। अब COOH होता ही ऐसे है, हमें याद रखना है, C डबल बॉन्ड O और H। CH3CH2CHO, ठीक है, CH3CH2CHO होता ही ऐसे है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, ये देखो, ये थोड़ा सा, ये देखो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला तो कॉमन ही है, तो 1, 2, 3 ये कॉमन वाला, 4 और 5, मैंने भी एक नहीं बनाया यहाँ पर, ठीक है। अब ठीक है, ओके, अब हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। इसने एक बॉन्ड बनाया ऑलरेडी, तो 3 हाइड्रोजन के साथ हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। इसने एक बनाया है, एक इधर बनाया है, 2 बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ। ये जो मेरा इनकम्प्लीट रह गया था, इसको ठीक कर देता हूँ। इसने एक बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ। आई होप आप टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, सो 1, 2, 3 और 4, ये जो कॉमन कार्बन है यहाँ पे 1 और 2, तो 1 और 2 हर कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप रिवाइजिंग।